Hello everyone and welcome to my channel Cookshook. Today I'm going to make creamy shahi paneer. As the name suggests, it's a royal paneer dish in which I'm going to add some dry fruits, cream, saffron and whole spices to make this dish rich and royal. Let's go through the ingredients. Here I'm taking 250 grams of paneer, cottage cheese, cashew almonds around 50 grams, 2 medium sized onion cut into a piece, puree of 2 medium sized tomato, 5 to 6 pieces of green cardamom, 2 to 3 pieces of cinnamon stick, some black pepper seeds, 1 teaspoon of couscous, few chopped ginger garlic, few strands of saffron, 2 bay leaves, 1/2 teaspoon of turmeric powder, 1/2 teaspoon of red chili powder, 1 teaspoon of salt, 2 tablespoons of butter, fresh cream in 1 medium sized bowl and some coriander leaves for garnish. So let's start our recipe. सबसे पहले एक बोल में एक ग्लास पानी ऐड करेंगे, फिर जितने भी हमने ये होल स्पाइसेस खड़े मसाले लिए हैं उन सभी को उसमें डाल देंगे और इसी के साथ जिंजर गार्लिक, ड्राई फ्रूट्स, चॉप्ड ऑनियन और थोड़ा सा केसर इसमें ऐड करेंगे और 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे। तो जब तक हमारा ये स्टॉक रेडी होता है तब तक हम टमाटो प्यूरी की तैयारी कर लेंगे। यहाँ ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, इसके लिए मैंने टमाटर को 5 मिनट तक बॉईल किया है, फिर उसका कवरिंग निकालकर मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो हमारा ये टमाटो प्यूरी रेडी है। 10 मिनट बाद देखेंगे ये जो प्याज है वो सॉफ्ट हो चुका है, दैट मीन्स ये पक चुका है, स्टॉक रेडी है। हीट ऑफ कीजिए और इसे छान लीजिए। इस छाने हुए स्टॉक को आप अलग रख दीजिए जिसे हम बाद में ग्रेवी बनाने के लिए यूज करेंगे। ये जो प्याज और ड्राई फ्रूट का मिक्सर है आप इसे मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर लीजिए। तो लीजिए हमारा ये पेस्ट रेडी है। इसके बाद हमें एक कढ़ाई में बटर लेना है, उसे गर्म होने देना है और उसमें काली मिर्च और तेज पत्ता ऐड करना है। तब तक गर्म होने देना है जब तक वो एक नाइस अरोमा नहीं देता। फिर इसमें ये ऑनियन, ड्राई फ्रूट का पेस्ट जो हमने रेडी किया हुआ था वो हम इसमें ऐड करेंगे और करीब 5 से 6 मिनट तक चलाते हुए इसे पकाएंगे। और फिर हम इसमें टमाटर प्यूरी ऐड कर लेंगे और इसके बाद हम ये सभी ड्राई मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और सॉल्ट इसमें ऐड कर देंगे। जब सभी मसाले अच्छे से पक जाए तब आप इसमें ये जो स्टॉक हमने रेडी किया हुआ था वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। फाइनली इसमें फ्रेश क्रीम और पनीर क्यूब्स आप इसमें ऐड कर देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक इसका ग्रेवी थिक नहीं हो जाता। थोड़ी ही देर में देखेंगे ये जो हमारी ग्रेवी है वो थिक हो चुकी है, दैट मीन्स हमारे जो शाही पनीर है वो पूरी तरह से रेडी है। इसमें आप थोड़ा सा धनिया, क्रश्ड पनीर और थोड़ा सा केसर डाल के गार्निश कर लीजिए। तो लीजिए रेडी है ये क्रीमी शाही पनीर। आप इसे रोटी, नान, पराठा और राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सी यू देन विद सम मोर अमेजिंग रेसिपीज। टिल देन Stay healthy, stay happy, and stay safe.